ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर में युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन दिखा गया, जहां प्रदेश भर के 10 बड़े गड्ढों का भी मुद्दा उठाया गया। बुरहानपुर जिले की सड़कों में गड्ढों की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सड़कों पर पड़े गड्ढों में बैठकर विरोध जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम पोस्ट कार्ड भेजकर प्रदेश भर के 10 प्रमुख गड्ढों का मुद्दा उठाया गया। नारेबाजी के साथ प्रदर्शनकारियों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सड़कों की हालात जल्द नहीं सुधारी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। बुरहानपुर की सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसों का भी खतरा बढ़ गया है। भैया देखिए, शहर के गड्ढे जो है वो स्विमिंग पूल बन चुके हैं। हम तैरने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर अभी स्विमिंग पूल के माध्यम से। और क्या है, शहर में सभी ने इस चीज़ का विरोध कर लिया है। कलेक्टर, एसपी साहब, मैडम ने भी रोड पर उतर के गड्ढे भरने का काम करवाने की कोशिश करी है, पर शहर के गड्ढे नहीं भर पा रहे। तो ये चीज़ दर्शाती है कि शहर में सरकार कितनी विफल है। सिर्फ बड़े बड़े वादे करना, रोज फोटो खिंचाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा है यहाँ के नेताओं के पास। आप गड्ढों की हालत देखिए कितनी बेकार हो रही है। युवा कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, कर ही रही है। अभी स्विमिंग पूल बना के बैठे हुए हम विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये पूरे प्रदेश की हालत ही गड्ढे जैसी कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें हमने पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनसे दिए 10 गड्ढों का सवाल भी पूछा है कि युवाओं की रोजगार जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, युवाओं की शिक्षा जो आज बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिले में भी और पूरे प्रदेश में भी, ये कब भरेंगे मोहन यादव जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।